आपने कभी सोचा है हमारा शरीर थका थका सा क्यों रहता है? आखिर क्यों नहीं कुछ करने की इच्छा होती है? आखिर क्यों नहीं हमें कुछ खाने की इच्छा होती है? भूख हमेशा मरी मरी से क्यों रहती है? और चक्कर से कमजोरी सी क्यों आती है हमारी बॉडी के अंदर? ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें कुछ डिफिशेंसी हो, जैसे आयरन की डिफिशेंसी, फोलिक एसिड डिफिशेंसी, एनीमिया हो जाए, या फिर विटामिन B12 की डिफिशेंसी हो जाए। जी हाँ, आपने ये डिफिशेंसी के लिए एक सिरप का नाम सुना होगा, एक्सोरन सिरप, जो कि मार्केट में आज आसानी से अवेलेबल है, आपको मिल जाता है। और ये सिरप आपने ज़्यादातर फीमेल पेशेंट को लेते हुए देखा होगा। जान लेते कि एनीमिया के कॉजेस क्या क्या हैं, कारण क्या है एनीमिया के। एनीमिया आपको अगर नहीं पता, मैं बता दूं, एनीमिया ब्लड लॉस की कमी से होता है। ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है वो हमारे ऑक्सीजन को बॉडी को हर जगह ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी रहता है ऑक्सीजन के लिए। तो जान लेते हैं पहला कारण, पोर डाइट, खाने में कमी, न्यूट्रिशन सही से नहीं मिल पाना, पोषक तत्व तो नहीं मिल पाना, उसके कारण भी एनीमिया हो जाता है। सर्जरी में ब्लड लॉस अक्सर होता है, उसके कारण भी एनीमिया हो सकता है। सिलियक डिसीज की बात करें तो सिलियक डिसीज में जो हमारे इंटेस्टाइन है आते हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, जहाँ से न्यूट्रिशन हमारे ऑब्जर्व होता है, वहाँ से सही तरह से ऑब्जर्व नहीं हो पाता, उसके कारण भी एनीमिया हो जाता है। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि नॉर्मल डिलीवरी या फिर सिजेरियन सेक्शन से जब भी प्रेगनेंसी डिलीवरी होती है उसमें भी ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा देखा जाता है, उसके कारण एनीमिया हो सकता है। ब्लड कैंसर में भी ब्लड लॉस कभी कभार, या फिर फॉर ब्लड ऐसे बन नहीं पाता हमारे बोन मैरो के अंदर, उसके कारण भी एनीमिया हो सकता है। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो कि पेरेट्स में देखा गया है, उसमें ब्लड लॉस कभी कभार हैवी हो जाता है, उसके कारण भी एनीमिया हो सकता है। एक फीमेल को सडन हैवी ब्लड लॉस बाय द फिजिकल इंजरी, कभी कभार एक्सीडेंट में ही हमारा ब्लड लॉस देखा गया होगा आपने, कि ज़्यादा इंजरी होने के कारण ब्लड हमारा बहुत ज़्यादा बह चुका है, उसके कारण भी एनीमिया देखा जा सकता है। ठीक है, बात करते हैं कि हमारा RBC काउंट नॉर्मल रेंज कितनी होना चाहिए। ये एक फीमेल पेशेंट की रिपोर्ट है जिसमें देखा गया है कि इसकी RBC काउंट बहुत ही कम है, 1.63, 3.90 से 5.0 तक इसकी नॉर्मल रेंज होनी चाहिए, पर इसकी जो वैल्यू है 1.63 तक की है। ठीक है, इस पेशेंट में हम इसको ब्लड चढ़ा सकते हैं, या फिर जो कि ब्लड चढ़ाने के बाद जो डेक्सोरन सिरप है उसको नॉर्मल रेंज में, या फिर टू टाइम्स ए डे में इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। हीमोग्लोबिन कैसी काउंट देख लेते हैं, इसकी जो नॉर्मल रेंज है 12 से 15.5 तक इसकी जो नॉर्मल रेंज है, पर इसकी जो वैल्यू है पेशेंट की 7.2 ही है, तो इसमें इसकी जो रिपोर्ट है बहुत वीक है। ठीक है, विटामिन B12 डिफिशियंसी और फोलिक एसिड दोनों की नॉर्मल रेंज जान लेते हैं। विटामिन B12 की नॉर्मल रेंज 160 से 200 तक नॉर्मल रेंज है, और 100 से 200 तक इसकी जो बॉर्डर लाइन मिल डिफिशियंसी माना जाएगा, और 100 से जो कम रहेगा वो एक सीवियर डिफिशियंसी, मतलब बहुत ज़्यादा ही डिफिशियंसी है उसको। ठीक है, फोलिक एसिड की नॉर्मल रेंज है 2.7 से 7.0 नैनोग्राम्स पर मिलीलीटर, इसको जो यूनिट है नैनोग्राम पर मिलीलीटर में इसको नापा जाता है, जो कि काफ़ी कम अमाउंट है इसलिए इसको। और दूसरा जो यूनिट है नैनो मोल्स पर लीटर, जो इसकी नॉर्मल रेंज है 1.16.12 से 38.52 नैनो मोल्स पर लीटर। ठीक है, जान लेते हैं कि अब डेक्सोरन सिरप डोज कितना लेना चाहिए। इस कंटेंट पहले देख लेते हैं कितना है, 5 ml में, फॉर ईच 5 ml में क्या क्या है। आयरन है इसके अंदर, फेरिक अमोनियम सिट्रेट बोलते हैं उसको, 160 mg ईच 5 ml, 160 mg कंटेंट इन ईच 5 ml। ठीक है, विटामिन B12 का दूसरा नाम
जो कि है साइनोकोबालामाइन, उसकी जो क्वांटिटी है 7.5 माइक्रोग्राम इज 5 ml। ठीक है, विटामिन बी नाइन को दूसरा नाम है फोलिक एसिड, जो कि 0.5 mg इस डेक्सोरेन सिरप के अंदर कंटेंट है। अल्कोहल 95% इसमें यूज किया जाता है, जो कि अमाउंट है इसका 0.87 ml इस 5 ml में। ठीक है, डोज तो पता है कि इसको ट्वाइस अ डे देते हैं, 2 चम्मच एक दिन के अंदर। ठीक है, चलो आज हमने डेक्सोरेन सिरप के बारे में जाना। अगली वीडियो में किसी न किसी एक मेडिसिन या फिर टेबलेट या फिर किसी भी दवा के बारे में जानेंगे। थैंक यू।